आइए बच्चों, अब हम भाग पे एक और सवाल हल करने की कोशिश करते हैं, और यह है हमारा उदाहरण क्रमांक 34। यहाँ हमें दिया हुआ है कि x की घात 3 धन 2x धन 12 ये भाज्य है, और इस पूरे भाज्य में, इस पूरी संख्या में हमें x धन 2 से भाग देना है। ये हमारा भाजक है, तो इसे हम फिर से लिखें एक बार भाज्य के रूप में। और आपने पिछले वाले उदाहरण में देखा था कि हम इस तरह से लिखते हैं, यहाँ जो संख्या लिखी हुई है उसे हम लिखें यहाँ पर x की घात 3 धन, अब आप देख रहे हैं कि x की घात 3 के बाद x की घात 1 का पद है, तो हमें पूरी श्रृंखला लिखनी पड़ेगी, x की घात 2 वाला पद भी लिखना पड़ेगा। और चूंकि यहाँ पर x की घात 2 का पद नहीं है, इसलिए हम गुणांक शून्य करके लिखेंगे x की घात 2 या x का वर्ग धन, अब जो पद हमारे सामने है उसे हम लिखें 2x धन 12। ये पूरी की पूरी संख्या हमारी भाज्य है, और हमारा भाजक है x धन 2। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x धन 2 यदि भाजक है तो इसका विचलन इस पद से हमें पता चलता है, तो हम लिख लें कि इस भाजक का जो विचलन है वो धन 2 है, और इसका परावर्त ऋण 2 है, और यही ऋण 2 हमारा संशोधित भाजक है। तो हम यहाँ ऋण 2 से भाग करना शुरू करेंगे, और जैसा कि आपने पिछली बार किया था कि हमारे सामने जितने पद हैं उन सभी पदों के गुणांक को हम यहाँ लिख लेंगे नीचे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई संख्या नहीं लिखी हुई है, यानी यहाँ पर धन 1 है, यहाँ पर x वर्ग का गुणांक 0 है, तो हम लिखें यहाँ धन 0। यहाँ पर जो हमारा गुणांक है वो धन 2 के रूप में है, और अंत में 12 है। तो पिछली बार भी हमने किया था कि चूंकि भाजक में हमारे पास केवल एक ही संख्या है, इसलिए इस आखिरी वाली संख्या को हम शेषफल वाले कॉलम में लिखेंगे, और इस तरह से उसे हम एक सीमा रेखा यहाँ पर खींच देते हैं। और अब की बार देखिए कि जो पहला पद होता है वो हमें यहाँ पर जो गुणांक मिलता है वही हमारे भागफल का पहला पद होता है, तो इसे हम जैसा है वैसे के वैसे लिख लें, ये हमारे भागफल का पहला हिस्सा है धन 1। आगे बढ़ने के लिए इसी संख्या को जो हमारे पहले परिणाम के रूप में प्राप्त हुआ है, इसका हम भाजक के साथ गुणा करते हैं, और जो परिणाम मिलता है उसे हम दूसरे वाले कॉलम में लिखते हैं। तो आप धन 1 का ऋण 2 से गुणा करेंगे तो आपको ऋण 2 मिलेगा, आप ऋण 2 के यहाँ लिखिए, और जो परिणाम या ऊपर पहले से आपके पास था उसके साथ इसको शामिल करिए, तो आपको ऋण 2 और धन 0 का मान मिलेगा ऋण 2 के बराबर। और ये ऋण 2 जो है वो हमारे भागफल का दूसरा हिस्सा है, और इसी का उपयोग हम आगे बढ़ने के लिए करेंगे। इस ऋण 2 का उपयोग हम इस ऋण 2 के साथ गुणा करने में करेंगे, हमें धन 4 मिलेगा, उस धन 4 को हम यहाँ लिखेंगे। देखिए, आपको केवल एक ही चीज़ ध्यान रखनी कि जो परिणाम आपको मिल रहा है उसका आप भाजक के साथ गुणा कर रहे हैं, और जो रिजल्ट मिल रहा है, परिणाम मिल रहा है, उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं, और हर बार यही काम कर रहे हैं आप। तो हमें धन 4 मिला, इस धन 2 के साथ उसे मिलाएं तो हमें धन 6 प्राप्त होगा। ये हमारा तीसरा पद है भागफल का। फिर आगे बढ़ने के लिए हम धन 6 का गुणा इस ऋण 2 के साथ करें तो हमें ऋण 12 मिलेगा, जो इस धन 12 के साथ मिलकर 0 होगा। आप चाहें तो यहाँ पर एक धन 12 और लिख भी सकते हैं, तो ये धन 12 ऋण 12 मिलकर 0 हुआ। ये 0 जो मिल रहा है वो शेष फल को प्रदर्शित कर रहा है, और यहाँ जो आपको संख्याएं मिली हैं जिसमें चर राशि नहीं लिखी हुई है, वहाँ हमें चर राशि को एक घात कम करके लिखना होगा। यहाँ पर पहली जो संख्या थी वो x की घात 3 थी, यहाँ भाजक में भी x की घात 1 है। इन दोनों के आधार पर आप देख सकते हैं कि जो पहला पद होगा इससे एक घात कम होगा, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो हमको मिलेगा धन 1 x का वर्ग ऋण 2 x धन 6। आप देख रहे हैं यहाँ पर घात 2, यहाँ 1 और यहाँ x की घात 0 है, तो ये भागफल है हमारा। आप चाहें तो इस 1 को या धन चिन्ह को हटा सकते हैं, पहली बार लिखा है सामने में, इसलिए तो आपको मिलेगा x वर्ग ऋण 2x धन 6। ये आपका भागफल है। और 0 जो बचा है वो आपका शेषफल है। तो ये आपका परिणाम है बच्चों। इसकी कोशिश आप फिर से एक बार आपने खुद से करें, और फिर देखें आप किस तरह से इसे हल कर पाते हैं। जहाँ दिक्कत हो आप वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हैं।